फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ठाकुर लव बर्ड। तो ये है फाइनली मेरी शादी का वीडियो, जो कि मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड मैंने इसमें वॉइस ओवर भी कर दिया है ताकि मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ इसमें कौन क्या हो रहा है, कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है। सो यहाँ पे सब अरेंज हो रहा है, बाराती निकलने की तैयारी हो रही है मेरे ससुराल से। और ये हमारे जीजू है, जीजा जी, जो कि इनको रेडी कर रहे हैं। हमारे में जीजा ही तैयार करते हैं अपने साला को शादी होने से पहले निकलने के टाइम। और ये हमारी दीदी है, ये मेरी ननद और नंदोई है दोनों। सो मैं ऐसे आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। ये सारे फ्रेंड्स हैं इनके, जो कोई आए हुए थे बाहर बाहर से। तो ये पूरे वीडियो में मैं आपके साथ जगह जगह पे वॉइस ओवर करती रहूँगी, एक्सप्लेन करती रहूँगी कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो को। यहाँ पे दूल्हे हो गए हैं रेडी निकलने के लिए पूरी तरह से। बस तैयार है, ये काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये है हमारे पापा, मेरे ससुर जी, और इन्होंने कॉम्बो किया हुआ था जीजा जी के साथ, सेम। और ये है मेरी दीदी, मतलब भाभी, हमारे बड़े भैया की वाइफ। ये है मेरी सासू माँ, दोनों जन हैं। पूरा अरेंज किया गया था हमारे घर ले जाने के लिए, ये जाता है हमारे यहाँ पे। और अब आप सुनेंगे कुछ लोकगीत बिहार साइड से। ये मेरे ससुराल का घर है, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग, ये पूरा हमारा घर है जो कि 2 फ्लोर्स का है। एंड काफ़ी अच्छा है, अंदर से भी बाहर से भी बहुत प्यारा है हमारा घर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना हमेशा। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये कार सजा हुआ है, बहुत अच्छा था डेकोरेशन। सबसे बड़े भैया है जो इनको लेने आए हैं हमारे घर से। हमेशा दुल्हन के भाई लेने जाते हैं दूल्हा को अपना, वो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स करते हैं एंड फिर हाथ पकड़ के दूल्हे को गाड़ी में बिठा के फिर वही लेके आते हैं, अपना भाई ही लेके आते हैं। तो मेरे सबसे बड़े भैया गए थे इनको रिसीव करने के लिए बाकी लोगों के साथ। तो देखिए कैसे लेके जा रहे हैं इनको।
तो ये कुछ रिचुअल्स है जो हमारे बिहार में हमारे में होता है, तो वही सब इसमें कंटिन्यू है। तो हमारे में ये रिवाज है कि दूल्हे की मम्मी जो होती है, माँ जो होती है और बाकी लेडीज़, वो शादी में नहीं जाती है। मोस्टली माँ नहीं जाती है, वो अपने बेटे की शादी नहीं देखती है। हमारे में ये रूल है, वो घर पे ही रहती है और वो पूरे रात जागती है और कुछ कुछ रस्में होती है जो वो अपने घर से करती है, तो इसीलिए माँ नहीं गई थी रस्म में। तो वो यहीं से अपने बेटे को विदा की अच्छे से एंड फिर कंटिन्यू। ये आ गए हमारे गांव, हमारे घर सब कोई, और ये वहाँ का डेकोरेशन था जो पहले वाले ब्लॉग में भी आपको देखने मिला था। और ये एंट्रेंस था जहाँ से सब कोई एंट्री किए थे, सबकी गाड़ी आई थी अंदर तक। सो वही है ये पूरा डेकोरेशन जो कि काफ़ी खूबसूरत था सामने से। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। और जैसे ही गाड़ी आ गई मेरे घर की लेडीज़, वहाँ उस साइड से जो भी लेडीज़ आए थे, जैसे मेरी दीदी भाभी सब आए थे, उनको रिसीव करने के लिए स्पेशली आए थे, लेडीज़ टू लेडीज़ रिसीव करने के लिए। एंड फिर वो उनको लेके फिर घर तक लेके गए खुद साथ में। मेरी मम्मी भी आई हुई थी सारी लेडीज़ को लेने के लिए। एंड उसके बाद फिर बाकी जेंट्स लोग एंट्री किए। हाँ एक्चुअली वेट हो रहा था मेरे ससुर जी के गाड़ी का, जो कि थोड़ा पीछे रह गया था। एंड जब तक ससुर जी नहीं उतरेंगे तब तक दूल्हा नहीं उतर सकते, इसलिए इनकी गाड़ी आ चुकी थी और ये वेट कर रहे थे कि उनकी गाड़ी आने का, इसलिए तब तक सब कोई वेट कर रहे थे। मेरे दोनों पापा एक दूसरे से गले मिल रहे थे, वेलकम हो रहा था सारे बारातियों का बहुत अच्छे से यहाँ पर। तो वो भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे सब हो रहा था। आगे इन्जॉय कीजिए आप। में दूल्हे के साथ उनके पापा ही बैठते हैं चेयर पे, ये वहाँ का रिचुअल है बिहार साइड का, दूल्हे के साथ पापा ही बैठते हैं। एंड उसके बाद में दुल्हन का भाई जो होता है वो दूल्हे को कार से निकालता है और स्टेज तक लेके जाता है। देखते हुए रेडी, देखते हुए इन्हें भैया, देखते हुए भैया ने देखते हुए सामने। हेलो भैया, भैया हेलो, पीछे 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 हेलो तू। सामने देखते हुए, सामने देखते हुए, ओके आइए थोड़ा सा, आइए आइए जी, आइए।
लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दूल्हे का स्वागत क्यों नहीं हुआ, लेडीज़ लोग आके आरती थाली से स्वागत क्यों नहीं किए। तो हमारे में उसका एक प्रॉपर रिचुअल होता है जो कि परिछन होता है, जो कि थोड़े टाइम बाद जयमाला के बाद होता है, जो कि आंगन में एंट्री करने के टाइम होता है। उसका एक अलग वीडियो रहेगा जो इस वीडियो के बाद होगा कंटिन्यू, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वो पूरा वेलकम दूल्हे का। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ बिहार में गांव में आज भी केटरर्स नहीं रखे जाते हैं, चाहे आप कितना भी ग्रैंड शादी क्यों ना करें। वहाँ पे गांव के लोग अपने घर के जितने जेंट्स हैं, लड़की के साइड के जितने आदमी हैं, वो सब खुद बाराती को खाना खिलाने में बिलीव करते हैं। सर्विंग एटलीस्ट वो खुद करते हैं, ये वो एक रिस्पेक्ट दिया जाता है बारातियों को हमारे यहाँ पे। जहाँ पे केटरर्स बुला के उन लोग को हमारे साइड में इंसल्ट माना जाता है कि नहीं, खुद से स्वागत करना है, खुद से खिलाना है। तो इसीलिए यहाँ पे सबको ही लगे पड़े थे मेरे घर के। यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, जो कि काफ़ी बीमार चल रही थी मैं, तो मेरे शक्ल पे मत जाइएगा, तो जज मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार थी मेरी शादी के टाइम में। एंड दिसंबर की शादी काफ़ी ठंडी थी, तो वैसे ही तबीयत गड़बड़ था। सो बस इंजॉय कीजिए वीडियो को।
ये था बाराती स्वागत एंड जयमाला का वीडियो जो कि इसमें आपने देखा एंड एंजॉय किया, आई होप सो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं परिछन और मातृक पूजा जो होता है बिहारीज में उसका वीडियो ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।